पूरा चिपक गया तो छूट ही नहीं रहा भाई, इसलिए इसे रट्टा कहते हैं, चिपक जाता है ना इसलिए। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? वेल, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे को न्यू व्लॉग में। और गाइस, अभी जो है ना भाई, शाम हो रही है एकदम मस्त वाली, और हल्की हल्की धूप निकल रही है। बाकी यहाँ पर दोपहर में तो खैर गर्मी रही थी बहुत सारी, दोपहर में तो हालत ख़राब हो गई थी। अभी फिलहाल तो थोड़ा थोड़ा मौसम बढ़िया हो रहा है खेत पर घूमने लायक, तो पहले नीचे चलते हैं। शायद काका कुछ कह रहे हैं, आवाज़ मार रहे थे मुझे अभी, तो नीचे चल के देखते हैं कि क्या कह रहे हैं काका। ले रहा हो तो ले लेना, ले रहा हूँ। दही दही भी कहाँ दूध ही होएगा, चम्मच खा लो, लाया था चम्मच। क्या कह रहे हैं काका? भैया भैया, ये मेरा पैसा का। क्या कह रहे हैं खेत पे? सो गाइस, अभी चलते हैं भाई खेत पर, खेत पर देख कर आते हैं क्या सीन हो रहा है खेत पर। और वो जो मैंने कमल का पेड़ लगाया था ना, उसको भी देख करके आएंगे। पता नहीं भैंसों ने कैसा कर दिया, वो है या फिर नहीं है। वहाँ ना इतनी दोपहर हो रही है कि कहीं पानी भी सूख गया, वहाँ जो पानी रहता है ना वो भी सूख गया। ऐसे ही इतनी तो दोपहर यहाँ पर पड़ती है। और ऊपर शाम के टाइम जो वो होती है ना भैंस जो होती है, वो उधर की साइड में चुगने जाती है, क्योंकि हरी हरी घास रहती है वहाँ पर ताजी ताजी। तो आराम से दोपहर को छक करके, मतलब दोपहर को जाती है और शाम को छक करके आ जाती है। तो आज अभी मैं आ चुका हूँ खेत पर, और खेत पर पे आके जो ना यहाँ ईख के पास आ गया मैं, और ये खड़ा अपना ट्रैक्टर इधर की साइड में। और वो अभी गाइस मैं आ चुका हूँ खादर वाले खेत पर। भाई यहाँ करते ना भाई, दिल से एकदम मजा जाता है ना यहाँ का आ करके, मतलब ऐसा दिल खुश हो जाता है ऐसे हरियाली देख के। चारों तरफ हरियाली हरियाली इधर, तो मैं क्यों बोलता हूँ गाइस, आप खुद ही देख लो, इतनी ज्यादा हरियाली ना, पूरा ऐसा देखो मैदान वहां तक। और ये सारी जो है ना भैंस चुग रही है, भैंस जो होती है ना वो चुग रही है। ये देखो सब मेला सा लगता है इस टाइम पे तो भैंसों का बहुत ज्यादा। इधर ही साइड में भी देखो कितनी ज्यादा चुग रही है। अभी गाइस मैं खेत पर आ गया, और यहाँ पर जो ना भाई एक बैड न्यूज मिली बहुत ज्यादा, बहुत बुरी। मतलब जो मैं पौधा लेकर के आया था ना कमल का, वो गाइस पता ही नहीं कहाँ चला गया भाई। और इसमें पानी भर गया था, बारिश पड़ी थी अभी एक आध दिन पहले, इसमें पानी भर गया। उसके बाद तो पता नहीं चला पौधा कहाँ चला गया। जो मैंने यहाँ लाकर लगाया तो उसमें फूल भी थे, दो थे वे, तो दो में से एक का भी नहीं पता भाई, एक भी नहीं है सर। तो लगे इनकी छुट्टी होगी। ये देखो देखो गाइस, ऐसे जो भैंस पानी पीने आती है ना, वो ये करती है ये काम। मतलब किस जो भैंस पानी पीने आती है ना वो ये काम करती है। भाई मेरा जो वो था ना कमल का पेड़, वो भी ऐसे ही इन्होंने कर दिया खराब। वो मतलब यार इतनी दूर से मैं लेकर के आया था, और इन्होंने मतलब खा गई, पता ना क्या कर दिया उसके साथ, खराब कर दिया। दिख भी नहीं रहा तो कहीं भी, अब नहीं रहा भाई। एक भी जो होता ना कमल का पेड़, एक भी नहीं रहा। इधर भी नहीं है भाई एक भी, इधर देखो इधर ही साइड भी मैंने लगाया था, इधर भी नहीं है बिल्कुल भी। कोई प्लान बना करके आया होगा भाई, सहरे ले गया ऐसे। ये वाली ईख भी पानी मांग रही है, देखो ऐसे पता लगता है सही है ना इनकी, मतलब ऐसा गोल गोल जाते हैं, बिंडी बन जाती है इनकी ऊपर जब मांगती है ये पानी। देखो सारी ऐसी हो गई। और इधर लोगों ने भाई बीच खेत में रास्ता बना दिया इधर देखो मतलब यार कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं लोग बाग। इधर बीच खेत में यहाँ बटिया बना दी देखो, यहाँ ऐसे उधर को जाने के लिए। इतने बड़े खेत में उधर से नहीं गए, पेड़ों के पास से बीच खेत में को पट्टिया बनाई है ऐसे ऐसे कर करके। एक पेड़ दिखाता हूँ मैं आपको, इसका नाम है रहट्टे का पेड़। वो जैसे होते ना फेवी गम, जो होती फेवी गम जिससे नोटबुक चिपकाते हैं वही वाली, वो इससे बनती है। देखो इससे बनती तो ना ही मगर इसके जैसी तो है, ये भी सेम काम करता है। और ये नेचुरल वाला है, वो शायद केमिकल से बनती होगी। ये देखो भाई खादर में नेचुरली चीज रहता, इधर से तोड़ कर देखें। ओह ये देखो ये देखो निकला ना, ये निकला। अभी इसे लगा के देखते हैं हाथ पे क्या होगा। ओ भाई साहब देखो चिपका रहा अभी चिपका रहा, पूरा चिपक गया है तो छूट ही नहीं रहा भाई, इसलिए इसे रेटा कहते हैं, चिपक जाता है ना इसलिए। Thank you.
कैसी वाली दिखाओ तो दिखाओ, दिखाओ कैसी वाली, ये वाली, ये खड़ी गाइस वो वाली घास, ये वाली। भैया जो ना ये बाइक जैसे लेकर के जा रहे थे ना, तो ये गाय आई और गाय ने भाई सींग उड़ा दी उसमें टंकी में, और बाइक को खींच करके ले गई, इनके चोट भी लग गई, तो उस चोट के लिए ले आ रहे हैं, उसमें काम आती है ये वाली घास। मुझे तो पता भी नहीं था, पता था कि ये वाली घास काम आवे। अभी चलते हैं दूसरे वाले खेत पर, वहां जा करके ट्वेल पे नहाएंगे, शाम के टाइम का नहाने का तो मजा मस्त एकदम गजब। अभी गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पुलिया के पास में, और भाई यहाँ पर ट्वेल के पास आकर के ना मजा आ गया इसे देख कर, तो नहाने में भाई बहुत ज्यादा तुलतुली उठ रही नहाने की। इधर से देखो ये चल रहा पानी, शाम के टाइम जो है ना पानी तो कितना डेंजर सा लगता है ना, काला सा लगा है शाम के टाइम पर पानी भाई, मगर जो नहाने में मजा आएगा। अभी हम नहाते हैं इसमें गाइस, और बस आज के व्लॉग में इतना ही, वेल मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।